देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित योर फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, वीआर गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उमदा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उमदा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। जितने भी बाकी बचे DRM के एम्प्लॉयज हैं, सभी को 130th पे स्केल दे दिया जाएगा। 130th पे हमारे लोकल बच्चों का जो समस्या है 100% जॉब रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट में जाके बात करने से तो नहीं होगा। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि प्रोक्योरमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तो मैं सिंपल पूछना चाहूंगा कि आपको जो MP लेड फंड से पैसा मिलता है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया, उसका थोड़ा हिसाब हमको दे दे। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 8 मई 2023 को BJP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई, जहां पर BJP ने श्री विशाल जॉली जी, श्री विनोद जी और श्री अरविंद राय शर्मा जी ने इसकी अगुवाई की और श्री विशाल जॉली जी ने अपनी बातों में BJP द्वारा द्वीपों में किए गए कामों का विश्लेषण दिया और मोदी सरकार की तारीफ भी की कि किस तरह यह सरकार जनता के हर हित के लिए प्रतिबद्ध रहती है। तो वही श्री अरविंद राय शर्मा जी ने जमकर कांग्रेस की गलतियां और झूठे वादों को गिनाया। पूरे मसले को जानने के लिए हम सीधे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर चलते हैं। सबको मेरा नमस्कार। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी हमारे साथी आज इस शॉर्ट नोटिस में इस BJP भवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मैं पूरे BJP परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करता हूँ हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विशाल जॉली जी से कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको संबोधित करें। सभी मीडिया के बंधुओं को नमस्कार। आज कुछ विशेष इश्यूज पर, विशेष कारण पर आप सबको आमंत्रित किया गया। सबसे पहला विषय 1/30th जो पे स्केल का है, जो कुछ DRM भाइयों को हमारा सरकार का घोषणा के बाद प्रशासन के द्वारा दिया गया, लेकिन अब भी बड़ी संख्या में DRM के साथी विभिन्न विभाग में काम कर रहे हैं जिनको 1/30th पे स्केल का बेनिफिट नहीं मिल रहा। और पुराना जो 11-12 हज़ार का पेमेंट है उसी में वो लोग काम कर रहे हैं और बड़ा तकलीफ से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। विभिन्न विभाग के DRM के साथियों ने हमारे सामने बार बार अपना दिक्कतों को रखा और मांग किया। म्यूनिसिपल के एम्प्लॉयज़ ने धरना भी किया, PWD के एम्प्लॉयज़ ने भी धरना आंदोलन किया और हमारा जो राज्य कर्मचारी महासंघ है निरंतर उनका मांग को लेकर
प्रयास करता रहा, आंदोलन करता रहा और प्रशासन से भी मांग करता रहा। आज मुझे ये बताते हुए उनको हर्ष हो रहा है कि प्रशासन ने बार बार हमारे उनके सामने विषय को रखने के बाद और उनका जीवन में जिस तरह का दिक्कत है आज का समय में 12,000 10,000 11,000 में पूरा परिवार चलाने में, इनको उनके दर्द को माननीय उपराज्यपाल माननीय मुख्य सचिव ने भी समझा और उस दर्द को समझकर प्रशासन ने ये फैसला किया है कि जल्द से जल्द उनके इस प्रपोजल को मान लिया है कि सभी विभाग के जितने भी बाकी बचे DRM के एम्प्लॉयज़ हैं सभी को 130th पे स्केल दे दिया जाएगा, 130th पे मिलेगा। ये बताने के लिए आपके माध्यम से आज आपको आमंत्रित किया गया था, एक पहला विषय था। ऑर्डर्स भी आजकल में इशू हो जाएंगे, प्रशासन ने मांग को मान लिया है। दूसरा, मेरे 4-5 महीना पहले जो मेरा टूर निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हुआ था, जहां का टूर में सभी सुदूर द्वीप में जाने के बाद निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड एनकाउरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जाने के बाद जो वहां का बदहाली को देखा, उसके बाद प्रशासन से निरंतर उनका जीवन में सुधार लाने के लिए वहाँ का विकास के लिए प्रयास किए। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब का दौरा हुआ, अभी माननीय उपराज्यपाल का भी दौरा हुआ, विभिन्न क्षेत्रों में सुधार आया है वहाँ पर। और सबसे बड़ा जो हमारे सरकार का विजन है सरकार चलाने का, कि विकास की पंक्ति में जो सबसे आखिरी में है, तो आज अंतिम छोर में है, विकास उन तक पहुँचना चाहिए और पर कैपिटा को बढ़ाने के लिए जो हमारा सरकार का प्रतिबद्धता है उसी के अनुरूप वहाँ का जो ट्राइबल समुदाय का मुख्य व्यापार कपड़ा को लेकर है, मुख्य उत्पाद नारियल को लेकर है और अंडमान के भी विभिन्न क्षेत्रों में, अंडमान डिस्ट्रिक्ट के भी विभिन्न क्षेत्र में, मध्य उत्तरी अंडमान के भी विभिन्न क्षेत्र में कपड़ा का उत्पादन होता है। लेकिन 2012 के बाद से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता रहा, लेकिन कोपरा का खरीद 2012 से बंद हो गया था। वहां से आने के बाद मैंने निरंतर चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब और माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इसके बारे में बताया, माननीय कृषि मंत्री जी उनको भी बताया। उसके बाद हम लोग गए थे तोमर जी से मिलने के लिए इस विषय में, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से, और वहाँ पर एक लंबा चर्चा हुआ कि किस तरह से खरीदारी को दोबारा शुरू किया जाए। नेफेड और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है उनके बीच में कुछ इश्यूज था लेन देन को लेकर, ये मामला फंस गया था, कुछ पैसा बकाया था जो प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है उनका ये मानना था। उसके बाद अमित शाह जी का दौरा हुआ और अमित शाह जी का जब दौरा हुआ तो हमारा कोर कमेटी और जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ पे हमने उनको मिलाया अमित शाह जी से और उनके सामने ये मांग रखा कि कोपरा का खरीद तुरंत शुरू हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो कोपरा का समर्थन मूल्य सरकार 108.60 रुपया प्रति केजी निर्धारित किया है, वो कोपरा समर्थन मूल्य में खरीदारी नहीं होने का चलते 35 से 38 रुपए में गरीब ट्राइबल भाइयों को और गरीब द्वीपवासियों को मीडिएटर्स को बेचना पड़ रहा था। कितना बड़ा नुकसान गरीब किसान का हो रहा था और वो भी एक दो दिन का नहीं, 11 साल उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार का तय किया हुआ मूल्य है, जो पैसा सरकार ने किसान को देना तय किया था, 11 साल उनको इस सुविधा से दूर रखा गया।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से अब खरीदारी दोबारा शुरू होने जा रहा है। पूरे द्वीप समूह में जो नारियल से जुड़े हुए कृषि किसान हैं और ख़ास करके ट्राइबल हमारे किसानों के मन में खुशी का लहर है। सरकार ने ऑर्डर कर दिया है कि प्रोक्योरमेंट जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा और पोर्टल भी खोल दिया नेफेड ने, किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया। और बताना चाहता हूँ कुछ लोगों को जो इसमें खेल कर रहे थे, खास करके इन्कोफेड को, कि भैया संभल के कोई गड़बड़ी धांधली करने का इसमें सोचना मत। ये मोदी जी का सरकार है, एक एक रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत किसान का अकाउंट में जाएगा। किसान का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनका अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर होएगा। पहले इन्कोफेड का बहुत सारा कंप्लेंट रहा है, चेयरमैन कौन है सब लोग जानता है, उसका नाम लेने का आवश्यकता नहीं, हमारा माननीय सांसद है, बहुत साल से चेयरमैन है, किसानों के साथ निरंतर बहुत वर्षों से उनके साथ में धोखा हुआ है। इस बार मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इन्कोफेड से कि बिल्कुल भी किसानों का हक मारने का अगर एक भी प्रयास उनका तरफ से होगा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं उनका विरोध करने के लिए और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए। प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों से, गवर्नर साहब से भी मैंने बहुत विस्तार में चर्चा किया है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार का अंडमान में आया, इतना पैसा कभी दे हमारा द्वीपों को नहीं मिला जितना आज हमारा गवर्नमेंट दे रहा है। इस बार प्लान में भी 300 करोड़ बढ़ा के दिया। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा एयरपोर्ट हो गया, एनएच हो गया, केबल आया, हजारों हजारों करोड़ रुपया का काम हुआ, वो चल भी रहा है। 70-80 हजार करोड़ का GNI प्रोजेक्ट एक फेस चेंजर होगा अंडमान निकोबार के लिए। ये GNI प्रोजेक्ट सामरिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से अंडमान के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत जरूरी कदम था जो पिछला सरकार सोचते रह गया, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया है। 70-80 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट, नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट, हर बेरोजगार को अंडमान का रोजगार देने का प्रोजेक्ट, अंडमान निकोबार को वर्ल्ड का मैप में सिंगापुर जैसा एक सम्मानजनक जगह में वर्ल्ड मैप में लाने वाला यह प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ देश का सुरक्षा भी जुड़ा है, देश का सामरिक महत्व भी जुड़ा है। इस प्रोजेक्ट को अंडमान में लाने के लिए हम पूरा भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से माननीय मोदी जी को और उनकी सरकार का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और जो लोग भी इसका विरोध में आवाज उठा रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि कम से कम जहां देश का सुरक्षा का मामला हो वहां पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आप सब मीडिया बंधुओं से ये मेरा आग्रह है कि GNI का प्रोजेक्ट का सही रूप, सही विषय लोगों तक पहुंचे, समाज तक पहुंचे, ये आपका भी जिम्मेदारी है, हम सबका भी जिम्मेदारी है। जो हमारे मध्यम वर्गी या मध्यम वर्ग से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं उनका भी रोजमर्रा के जीवन में जो छोटा छोटा दिक्कत है, छोटा छोटा कठिनाई है, उसको भी दूर करके ईज ऑफ लिविंग का ऊपर में काम करना चाहिए। थोड़ा सा उधर में काम करने का आवश्यकता है, लोगों को
कोई अपना बच्चों को जो अपना ब्लड रिलेशन में कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा ड्यूटीज में कमी होना चाहिए। भी बेरोजगार युवक जब खड़ा होता है तो अब प्रशासन का भी हम सब का भी जिम्मेदारी है और हम लोग निभा भी रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बॉटलनेक्स है जहाँ में दिक्कत आ रहा है। तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स जो हमारे बेरोजगार युवकों को काम देने के लिए ज़रूरी है, वैसा कम से कम कुछ पीसेस ऑफ लैंड जहाँ पर रोजगार जुड़ा है, जहाँ पर अपना घर, जीवन भर का एक जो सपना होता है लोगों का, मध्यम वर्ग के परिवार का, उससे कम में जीवन यापन करने वाले परिवार का, कि मेरा भी एक छत हो, उसको देने के लिए कम से कम हाउस साइट में उसका कन्वर्शन, ये सबको तुरंत शुरू किया जाए। और जो भी सर्टिफिकेशंस हैं, जितने भी परमिशंस हैं, उसका एक निश्चित समय अवधि होना चाहिए, निश्चित चेकलिस्ट होना चाहिए, निश्चित समय भी होना चाहिए। इतना समय में ये समय आपने पेपर्स जमा कर दिए, डॉक्यूमेंटेशन, इतना समय में आपको परमिशन मिल जाए। तो इसका ऊपर भी प्रशासन काम कर रहा है और माननीय उपराज्यपाल और माननीय मुख्य सचिव से पूरा विश्वास है कि इस पर भी जल्दी से जल्दी प्रेस रिलीज या घोषणा उनके तरफ से हो, जिससे आम मध्यम वर्गीय या गरीब जो वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में भी छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स ना आए, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंश्योर करना आवश्यक है पूरे समाज का उत्थान के लिए। NH का कुछ कुछ स्ट्रेच में परेशानी है, मैं तो खुद रोड से ट्रैवल करता हूँ, अभी भी पिछला बार भी मैं रोड से ही जाके आया। अब जो फॉरेस्ट विभाग का विषय था एक दो स्ट्रेच में, उसको भी उन्होंने दूर कर लिया है कि जो एग्जिस्टिंग रोड है उसको बनाने के लिए उन्होंने भी सहमति दे दी है। तो जितना जल्दी होगा वो जो दो तीन बड़ा स्ट्रेच है, बाराटांग है, थोड़ा कदमतला का पास है, फॉरेस्ट गेट से आगे का है, ऐसे जगहों पर तीन चार जो मेजर एरिया है, स्ट्रेच है जहाँ पे काम होना है, बुरा हाल है, वहाँ पर भी रोड का काम जल्दी शुरू होके ख़त्म होगा। क्वेरी भी, दो दो क्वेरी भी उनको अलॉट कर दिया प्रशासन ने। तो बस इतना ही कहना था। अंडमान निकोबार आइलैंड में तो पिछले 5 वर्ष में आप देख रहे हो बहुत सारा समस्या है 2019 के बाद में। वो समस्या कहाँ है, क्या है, मेरे ख्याल से हमसे बेहतर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि जो छोटा छोटा समस्या प्रशासन से हम लोगों को आ रहा है तो हमारा नुमाइंदा कौन है पार्लियामेंट में, हमारी नुमाइंदगी कौन कर रहा है, उसके तरफ मैं थोड़ा सा ध्यान लेकर के जाना चाहूँगा। बिजली का समस्या ये मोदी जी का समस्या नहीं है, चाहे पानी का समस्या हो ये मोदी जी का समस्या नहीं है, छोटे मर्रा जैसे हेल्थ सेक्टर का समस्या हो ये मोदी जी का समस्या नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि 2014 से पहले आप देखिए हमारा बजट क्या होता था, 2014 के बाद में आज अंडमान निकोबार आइलैंड का बजट क्या है, 2014 में जो ओवरऑल डेवलपमेंट, देखिए डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक तो डिपार्टमेंटली डेवलपमेंट होता है, दूसरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल डेवलपमेंट में आप पूरे आपके भारतवर्ष में देख लीजिए, आज हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मैं संघाई बनाऊँगा इनको, लगभग आधा से ज़्यादा बन चुका है, हमारी नज़र में नहीं आ रहा है क्योंकि हम बहुत दूर दराज में रहते हैं, मगर जो बार बार हम हर स्टेट में चुन कर के आ रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है, किस तरीके से मीडिया भी सामने बात को ला रहा है। अब बात उठता है अंडमान निकोबार आइलैंड का कि अंडमान निकोबार आइलैंड 2019 के बाद में क्यों पिछड़ा हुआ है। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले रहे उन्होंने भी काम किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के काम किया, हमारा जो अध्यक्ष रहे श्री विशाल जौली जी ने बार बार, इन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रखे हमारे मिनिस्टर्स के द्वारा, चाहे वो ब्रिज का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो NH का रोड का प्रोजेक्ट हो, तमाम प्रोजेक्ट ऐसे रखे, मगर 2019 के बाद में तमाम जितने डेवलपमेंट्स थे अंडमान निकोबार आइलैंड में ये रुक गया है। ये रुकने का मैंने कई बार सुना है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं एक बिंदु पे बात करना चाहूँगा। इन्होंने पिछले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारा है कि मैं 10 बात लेकर के जाऊँ तो 10 में से 10 काम कर देते हैं, तो 10 में से 10 काम कर देते हैं तो पानी का समस्या क्यों है, रोड का समस्या क्यों है, रोड जल्दी काम क्यों नहीं हो रहा है,
मेडिकल में छोटी छोटी समस्याएं जो आ रही है वो क्यों है? हमारे लोकल बच्चों का जो समस्या है 100% जॉब रिजर्वेशन, ये पार्लियामेंट में जाके बात करने से तो नहीं होगा। अगर इतना था तो भूपेंद्र सिंह यहाँ थे ना, 10 साल थे उनका गवर्नमेंट था, भूपेंद्र सिंह बहुत करीबी थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा विष्णुपद राय थे, मगर उसके होने के बावजूद भी सारा काम जो चलता था कांग्रेस के अध्यक्ष का चलता था। मगर कभी आपने देखा कि रोड में उतर करके हमारे लिए किसी बात को रखा है? आज पानी का समस्या है, कहीं दिखाई दे रहा है कि एक टैंकर लेकर के कहीं भाई पानी दे दे, रोड में उतर करके राजनिवास का घिराव कर ले या बात कर ले? देखिए पॉलिटिकल बात अपना अलग होता है, मगर जो पब्लिक का समस्या का बात अलग होता है। पार्लियामेंट में जा करके आप बोल दो कि भाई मैं 0 आवर्स में 100% जॉब रिजर्वेशन का बात कर। मैं पूछना चाहता हूँ इस माध्यम से, क्योंकि हमारा पार्टी का तो पूरा एकदम क्लियर कट बात है, 100% जॉब रिजर्वेशन में भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता समर्थन करता है। आज ऑटो वालों का बात आया कि आईलैंड से ऑटो चलाए, इसमें हमारा समर्थन है, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन किन के साथ में ये बात बताए? रटलैंड प्रोजेक्ट, जबकि ये पैसा दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज टेक्निकल समस्या से वो फेलियर रहा हो या पूरा हुआ नहीं हुआ हो, मगर बढ़ चढ़ करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि रटलैंड प्रोजेक्ट हमारी देन है। इवन जो आपका समर्स केबल जो था, केबल एंड इंटरनेट का, ये भी उनका उपलब्धि है। वो आप और हम जानते हैं कि 2018 के बाद में मोदी जी ने नेताजी क्लब में ग्राउंड में खड़ा होकर के सीधे एक बात बोला कि मैं 1 साल में आप लोगों का जो इंटरनेट का समस्या है वो दूर कर रहा हूँ, जिसके चलते देखिए हमको फ़ायदा हुआ, आपसे हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्टली बात कर रहे हैं, आप लोग आ गए प्रोफेशन में, हमारा छोटा छोटा मुद्दा उठा रहे, कौन? ये मोदी सरकार का देन है। पैसे तो बहुत बार आया था, कांग्रेस सरकार ने बोला कभी 250 करोड़ दे दिया, कभी 1000 करोड़ दे दिया, मगर काम हुआ। काम 2018 में मोदी जी आपको प्रॉमिस करके गए, उनके बाद में गया हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसका भी श्रेय लेने का कोशिश करा, कोई बात नहीं। मगर असली समस्या है, जो असली समस्या की तरफ में हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ध्यान नहीं है, इसके बारे में जनता जनार्दन को, मैं आपके माध्यम से जनता को एक बात याद दिलाना चाहूँगा, मात्र 1400 वोट, जब विशाल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट होने के नाते इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड का चौमुखी डेवलपमेंट के लिए बात किया, चाहे वो नितिन गडकरी जी के द्वारा बात किया हो, चाहे वो किसी टूरिज्म मिनिस्टर के द्वारा बात किया हो, मगर हमेशा चौमुखी डेवलपमेंट के लिए। अभी मैं कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, हम लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे थे, विशाल जी ने बहुत खूबसूरत बात कहा, मैं बाहर खड़ा होकर के सुन रहा था, उसी समय पहुँचा था कि मैं पानी की जो समस्या है इस समस्या को दूर नहीं, मैं सरप्लस की बात करता हूँ कि हमारे पास में टूरिज़्म को ध्यान में रखते हुए कि देखिए टूरिज़्म सेक्टर बढ़ता जाएगा, जिस तरीके से अंडमान पूरे कैम्बल बे से लेकर के डिगलीपुर कालीपुर बीच तक डेवलपमेंट हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, आने वाला साल में हमारे वहाँ में 10 से 15 लाख टूरिस्ट आएंगे, हो सकता है उससे भी ज़्यादा है, क्यों जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ हम जा बढ़ रहे हैं। तो मैंने सुना अपने नेता को विशाल जी को, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो अगर मैं छोटा सा चूक रह गया, चाहे वो कहीं का भी वोट से रहा हो, कोई भी मसला रहा हो, चाहे सामने वाले बंदे के ऊपर में सिंपथी रहा हो, सिंपथी मेरे ख्याल से ज़्यादा सिंपथी था कि भाई 3 मरतबा हो गया, हाथ जोड़ करके ऐसे भी वोट मांगे गया है कि भाई 3रा बार है मेरा पॉलिटिकल कैरियर का। मगर देखिए मैं इस अवसर को इसलिए इस्तेमाल करूँगा कि सिंपथी में वोट नहीं दिया जाता है, किसके पास में काबिलियत है, कौन काम कर सकता है, कौन अंडमान को अंडमान के बच्चों के बारे में सोच सकता है, हमको ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में छोटा सा चूक हमको 50 साल पीछे लेके चला जाता है, जो आज हम जा चुके हैं। इतना पैसा आने के बाद में अब फिशरी सेक्टर देखिए ना, इनका फिशरी सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, आज फिशरी सेक्टर को देखिए, प्रशासन चीफ सेक्रेटरी जो अमित शाह जी बोल करके गए थे 6000 करोड़ फिशरी सेक्टर को दिया, किस तरीके से फिशरी सेक्टर काम कर रहा है, हमारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, बता रहे हैं सब हो रहा है, मगर यही हुआ कि हम 2019 में चूक गए, कुछ महीना बाकी हमारे सामने में, तो हम लोग उसके बारे में विचार कर लेंगे, बहुत सारा बात ऐसे है रखने के लिए जो हम आगे जा करके रखेंगे, मगर मैं आप लोगों के माध्यम से मैं जनता ही से बताना चाहूँगा कि आप विचार करिए कि आपने सिंपथी दिखाया, आपने एक मौका दिया, एक मौका देने के बाद में ये 4 साल में आज हम कौन दिशा में, जितना छोटा छोटा प्रशासनिक का समस्या है, एक भी समस्या को हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एड्रेस नहीं करता है। मैं तो हंसता रह गया और एक छोटा सा कमेंट्स भी किया था किसी एक मीडिया में कि बोले निकोबार एयरबेस,
अंडमान एयरवेज और मिडिल एंड नॉर्थ एयरवेज, उनको प्लेन चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोच बहुत ऊंचा है, राहुल गांधी की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है, आलू से ही सोना निकालने का बात करेंगे। तो इनको निकोबार एयरवेज चाहिए, अंडमान एयरवेज चाहिए, मगर ठीक से प्लेन चले इसके बारे में उनको चिंता नहीं है। मोदी जी नहीं करेंगे, मोदी जी तो आज सिर्फ हिंदुस्तान के नेता नहीं है, वो सर पूरे विश्व के नेता है। विश्व उनकी तरफ टकटकी लगा करके देखता है कि मोदी जी ये करेंगे तो ये चीज़ मसला सुलझेगा। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंच में बोलते हैं कि यूक्रेन और रशिया का वार में अगर मोदी जी चाहे तो ठीक हो सकता है, समझे ना। तो हमारी तरफ ध्यान दे सकते हैं, दिल के करीब है अंडमान निकोबार आइलैंड मोदी जी का, पैसा दे रहे हैं सब कर रहे हैं, मगर काम जो नहीं हो रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाकर के पार्लियामेंट के अंदर में रखना है कि भाई हमारा रोड यहाँ तक हुआ है, हमारा काम यहाँ तक हुआ है, मगर एक भी मसला में तो रोड पर बैठना है। हाँ, ये रोड में बैठ जाओ। भूपेंद्र सिंह के समय भी कभी रोड में नहीं उतरे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक बार पूरा तिरंगा पार्क का रोड जाम कर दिया, हम लोग 9 बजे तक वहाँ खड़ा होकर के सुने कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रशासन के खिलाफ में कुछ बोलेगा, सीधे बोल दिया कि भाई मुझे प्रशासन के खिलाफ में मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखिए, हमारा प्रशासन के खिलाफ और प्रशासन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मगर डेमोक्रेटिक सेटअप तो हमारे पास पूरा नहीं है, हमारे पास असेंबली नहीं है, हम चलाए जा रहे हैं इन्हीं के द्वारा। मोदी जी की सरकार में मोदी जी का काम है पैसा भेजना, डेवलपमेंट जो है करना, मगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात है मोदी जी के कान में। भले आपकी, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है, मोदी जी एक ऐसे है, हर लोग को बुला करके पूछते, 3 बार मिला ना हमारे MP साहब को, कुछ रत्न अवार्ड कुछ मिला, वो खैर वो अलग बात है, उस मसले में मैं नहीं जाऊँगा, अटेंडेंस का होता है वो बहुत, क्योंकि अंडमान में काम नहीं करते तो पार्लियामेंट में अटेंडेंस देंगे, प्लेन का टिकट आने जाने का पैसा फ्री मिलता है ना, तो अटेंडेंस वहाँ बराबर देते। एक बच्चा, देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, हम लोग किसी स्कूल में पढ़ते हैं ना, अगर मेरा 100% अटेंडेंस होता है तो टीचर प्रोग्रेस रिपोर्ट देते समय मेरा पीठ में थपथपाएगी या एक दिखता है कि बच्चा ये इतना कामयाब बच्चा है कि बच्चा ये बराबर 100% इसके, वो कुछ और अवार्ड नहीं था, 100% अवार्ड वो था, उसमें पैसा भी मिलता है कि आप कितने दिन पार्लियामेंट के अंदर में उपस्थित रहे हो। उनका ज़्यादा ध्यान है कि मेरा अचीवमेंट क्या हो, मगर अंडमान का जो दुर्दशा है, मैं दुर्दशा बोलूँगा, ये दुर्दशा है सिर्फ और सिर्फ हमारी जो पब्लिक है उनका एक गलत निर्णय की वजह से कि हम लोग एक गलत नुमाइंदा का चुनाव करके यहाँ से भेजे। बहुत सारा बात है क्योंकि हमने कुछ विचार विमर्श किया नहीं हमारे नेतृत्व के साथ में कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि पार्टी का एक अपना अलग सब होता है कि किस बात पे बात करूं किस बात पे बात ना करूं, क्योंकि पॉलिटिकल मंच नहीं है। अगर पॉलिटिकल मंच होता तो मैं अच्छी तरीके से बात कर देता कि हम लोगों ने कितना बड़ा अपने हाथ से अपना कब्र का गड्ढा खोद दिया है 2019 में, ये इस तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसका कोई विजन कोई मिशन नहीं अंडमान के बारे में पूछे ना। मैं तो कई बार सोशल मीडिया में उनको खुलेआम, देखिए रिलेशन अपनी जगह होता है, मेरे लिए मेरा अंडमान, मेरे अंडमान के लोग, मेरे अंडमान के बच्चे, मेरे अंडमान का यूथ पहला मायने रखता है, और मैं आज से नहीं भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से और अपने माध्यम से इस टॉपिक को, इस विषय को बार बार उठाते आया हूँ। तो मैंने कई बार बोला है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए पब्लिक के बीच में, डेवलपमेंट का काम करते हैं ना, आप कुछ भूल रहे हैं हम आपको याद दिलाएंगे, ज़्यादा कुछ थोड़ी करेंगे, आप गलत जा रहे हैं तो हम पकड़ के आपको सीधा रास्ता में कर देंगे, आपका कोई थिंक टैंक है नहीं। अब जो निकोबार एयरवेज की बात कर रहा है, जो जहाज नहीं चला पा रहा है, तो अब उनको हम क्या पूछेंगे, क्या बोलेंगे। तो बहुत सारा मुद्दा है मीडिया बंधु, मैं आप लोग के माध्यम से जनता को पहली बार आप लोग के समक्ष आया हूँ। एक ही विनती करूँगा कि गलती हो गया हम लोगों से, कुछ कुछ समस्याएँ आ रही हैं, हम लोग मिल करके कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ताकत हमारे पास में नहीं है। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पार्टी का विशाल जी पार्लियामेंट करके अंदर चुन करके नहीं गए, अगर मुझे, मेरा ये मानना है क्योंकि मैं इनके करीबी रहता हूँ, इनका सोच और इनकी समझ मैं हमेशा इनके साथ में साथ दिया हूँ, कि अगर हमसे गलती नहीं होता आज अंडमान का जो भी नक्शा है वो बहुत ही अलग होता। 15 साल में जो डेवलपमेंट थोड़ा मोड़ा हम लोगों ने किया उस समय हमारी सरकार नहीं थी, मगर ये 5 साल अगर मोदी जी का साथ में यहाँ भी डबल इंजन बन गया होता, अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो बहुत ही समक्ष और एकदम विचार करने वाले नेता है, ग्रास रूट से लोगों से बात करके काम करने वाले नेता है, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए होते तो मेरे ख्याल से कोई भी समस्या ढूंढना पड़ता, पब्लिक खुद ढूंढती। अगर हम पूछने भी जाते कि भाई समस्या क्या है, तो भाई समस्या कुछ नहीं है, क्योंकि ये मैनमेड समस्या है,
ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का द्वारा उपज किया हुआ समस्या, आज भी समय है बात करें, कुछ करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से तो मैं सिंपल पूछना चाहूँगा कि आपको जो एमपी लेट फंड से पैसा मिलता है उसका कितना इस्तेमाल आपने किया, उसका थोड़ा हिसाब हमको दे दे। कम से कम वो पैसा जो आज तक बचा उसी से टैंकर वैंकर मंगाए, पानी हर घर में सप्लाई कर दे। वो पैसा आपको मोदी सरकार ने वापस करने के लिए या अपना मनमर्जी से काम करने के लिए नहीं दिया है, जनता के लिए दिया है, अंडमान के लिए दिया है। आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, सारा समस्या दूर हो जाऊंगा। बस मैं इतना कह करके आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, आगे बात करते, धन्यवाद। जहां बीजेपी अपने अच्छाइयों को गिना रही है और कांग्रेस के किए गए झूठे वादों को जनता के सामने बता रही है, देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में इन बातों का जनता पर क्या असर होता है और 2024 के इलेक्शन के दौरान इसका कितना प्रभाव होता है। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनिता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज किस कर से विदा लेती हूँ। नमस्कार।